कन्नौज में श्री दक्षिणेश्वर हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत विभिन्न आयोजन हुए, जिसमें निकाली गई कलश यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कन्नौज की जोड़ नदी स्थित हनुमंत धाम पर 10 से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले श्री दक्षिणेश्वर हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आयोजन का सिलसिला शनिवार से प्रारंभ हुआ। इसको लेकर शनिवार को तालाब स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर से कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य आदर्श गुरुजी द्वारा कलश की पूजा अर्चना करने के बाद कलश यात्रा की शुरुआत की गई। इस कलश यात्रा में करीब 5,000 से अधिक महिलाएं एक जैसे परिधानों के साथ सिर पर कलश धारण किए इस अनुष्ठान का हिस्सा बनी। बैंड बाजों के साथ निकली कलश यात्रा का नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान नगर के मुख्य मार्ग फूलों से पट गए एवं पूरा शहर धार्मिक बयार से ओतप्रोत नजर आया। कलश यात्रा का समापन तपोवन भूमि हनुमंत धाम पर हुआ। कन्नौज से कमल गर्ग, राही की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।